नमस्ते दोस्तों, ये जैसा आप देख पा रहे हैं ये एक है PAM8403 एम्पलीफायर सर्किट जो कि हमारे 5 वोल्ट से चलता है, जिसे हम 4 से लेकर 5 वोल्ट तक दे सकते हैं और ये अच्छे से काम करेगा। और ये स्टीरियो बोर्ड है, इसमें 2 स्पीकर लगा सकते हैं हम। इससे हम 30-30 वॉट के 2 स्पीकर चला सकेंगे आराम से। इसमें अगर हम छोटे स्पीकर लगाएंगे तो हमें आउटपुट अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम इससे एक ब्लूटूथ स्पीकर बनाएंगे। ये हमारे जो ब्लूटूथ सर्किट हैं वो कुछ इस तरीके का होता है। इस पर सारे कनेक्शन प्रिंटेड आते हैं, जो कि हमें पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया है। ये एल आउट मतलब लेफ्ट आउट, ये मिड वाला ग्राउंड, और ये राइट आउट। और ये VCC में हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे, इसमें भी 4 या 5 वोल्ट दे सकते हैं हम। और ये हमारे ग्राउंड, इस पर भी सारे कनेक्शन प्रिंटेड आते हैं। ये लेफ्ट ग्राउंड और ये राइट, ये यहाँ इनपुट लिखा हुआ है। तो इससे जो लेफ्ट राइट और ग्राउंड आउट हो रहे हैं वो हम इसके इनपुट के साथ में कनेक्ट कर देंगे। दोनों का ग्राउंड एक साथ कनेक्ट करना है, बाकी लेफ्ट राइट आप इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है, हम जो सप्लाई देंगे 5 वोल्ट वो हम दोनों को एक ही बैटरी या एक ही सोर्स से दे देंगे। तो उसके लिए ये इसमें जो पावर के पॉइंट बने हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाले जो आप देख रहे हैं ऑरेंज और येलो वायर कनेक्टेड हैं, इस तरफ वाला पॉजिटिव नेगेटिव। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये जो वॉल्यूम है इसके साथ ही में एक स्विच दिया हुआ होता है। ये जैसा आप देख पा रहे हैं कि एंड तक बंद करने पर एक स्विच इसमें ऑफ हो जाता है, जिससे इस सर्किट की सप्लाई बंद हो जाती है। तो अगर हम यहीं से सप्लाई देंगे इस वाले सर्किट को, तो ये हमारे जब हम इस एम्पलीफायर सर्किट का स्विच ऑफ करेंगे तो ऑफ नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो स्विच है, ये इसमें यहाँ पर ये पॉजिटिव पावर आ रहा है, वो एक प्रिंटेड लाइन है जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये इनपुट के पास से जाते हुए इस पॉइंट पे आती हैं। और जब ये ऑफ होता है तो ये दोनों पॉइंट कट हो जाते हैं, और ऑन होने पर ये दोनों एक साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। तो हम जो ब्लूटूथ की पॉजिटिव सप्लाई है वो इस पॉइंट से लेंगे। तो क्या है कि जब हम इसे ऑफ करेंगे तो इस एम्पलीफायर सर्किट के साथ साथ हमारे ये ब्लूटूथ सर्किट भी ऑफ हो जाएगा, जो कि हमने पहले से कनेक्ट कर रखा है। ये हमारे सप्लाई का वायर है जो कि इसके साथ में कनेक्टेड है। ये पॉजिटिव यहाँ से लिया है हमने, और नेगेटिव दोनों का सेम ही है। और अभी जो ये इनपुट के वायर हैं, इस ब्लूटूथ से जो साउंड आउट होगा वो हमारे इस एम्पलीफायर सर्किट में इन होगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट ग्राउंड और राइट। इसके साथ में हम सेम पॉइंट मैच करते हुए कनेक्ट कर देंगे। लेकिन हम सिर्फ इसे ब्लूटूथ नहीं रखेंगे, इसके साथ में एक ऑक्स सॉकेट भी कनेक्ट करेंगे, जिससे यदि हम ब्लूटूथ यूज़ ना करें तो हम केबल से इसके साथ में मोबाइल या कोई MP3 मॉड्यूल कनेक्ट कर सकेंगे। तो उसके लिए हम जो सॉकेट लेंगे वो कुछ इस तरीके का है। ये जैसा आप देख पा रहे हैं, इसमें जो ये ऊपर वाला पॉइंट है वो हमारे होता है ग्राउंड, और ये लेफ्ट राइट दोनों पॉइंट, जब इसमें पिन नहीं लगी हुई होती हैं तो ये दोनों एक साथ कनेक्ट रहते हैं। ये दोनों एक साथ कनेक्टेड हैं और ये वाले दोनों पॉइंट एक साथ कनेक्टेड हैं। इसके दूसरी तरफ जो सॉकेट है वो ट्रांसपेरेंट है, तो हम देख सकते हैं कि ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और जब हम इसमें पिन लगाते हैं तो ये जो दूसरे एक्स्ट्रा पॉइंट है वो दोनों अलग हो जाते हैं। तो हम इसका यूज करते हुए एक इस तरीके से कनेक्शन करेंगे कि जब हम इसमें पिन लगाएं तो ये ब्लूटूथ इससे फ्री हो जाएगी, और हमारे जो ऑक्स केबल कनेक्टेड है उससे इनपुट लेने लगेगी, और जैसे ही हम पिन बाहर निकालेंगे तो फिर से ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हम इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से करेंगे। ये कुछ इस तरीके से काम करता है। ये हमने इसमें पिन लगा दी है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये इसकी जो इस तरफ वाली ब्लेड देख पा रहे हैं आप, ये बिल्कुल फ्री हो गई हैं। और इसमें ये जो नीचे वाली ब्लेड देख रहे हैं आप, वो फ्री हो गई हैं। इस पिन से ये जो मुड़ा हुआ ब्लेड है सिर्फ वही कनेक्टेड है, और दूसरी तरफ भी ये जो मुड़ा हुआ है वो कनेक्टेड है। और जैसे ही हम इसे बाहर निकालेंगे तो ये फिर से उनके साथ में कनेक्टेड हो जाते हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि अब जो पिन के साथ में कनेक्टेड हैं वो हम एम्पलीफायर के जो इनपुट हैं उनके साथ में कनेक्ट कर देंगे, और जो अभी फ्री हुए हैं उन्हें हम ब्लूटूथ के साथ में कनेक्ट कर देंगे। लेकिन जो हमारे ग्राउंड है वो सब में सेम ही रहेगा। तो जब हम इसमें पिन लगाएंगे तो हमारे ब्लूटूथ से आने वाला इनपुट बंद हो जाएगा और ऑक्स का इनपुट कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी सोल्डरिंग कर देते हैं। तो ये हमने कनेक्शन कर दिया है इसके साथ में, जो हमारे एम्पलीफायर से वायर आ रहे हैं वो जो पिन के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, पत्ती उनके साथ में कनेक्टेड है।
और जो फ्री होते हैं वो हमारे ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। तो जैसे ही हम इसमें पिन लगाते हैं तो हमारे ब्लूटूथ वाले कनेक्शन फ्री हो जाते हैं और ऑक्स के कनेक्शन जुड़ जाते हैं, और हम ऑक्स निकालते हैं तो हमारे ब्लूटूथ फिर से इसके साथ में इनपुट देने लगता है। तो ये हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है, और दोनों का जो ग्राउंड है वो हमने सेम ही रखा है। ये जो मिड वाला वायर आप देख पा रहे हैं ग्राउंड है, और इसमें जो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव तो जो थी सप्लाई, वो पहले हमने वायर कुछ इधर उधर कनेक्ट कर दिए थे तो हमने फिर से सेट कर दिए हैं। जो पॉजिटिव वाला है उसमें हमने ऑरेंज कनेक्ट कर दिया है, और नेगेटिव में ये जो येलो वायर है वो हमने कनेक्ट कर दिया है। पहले हमारे दोनों के कलर कोड डिफरेंट डायरेक्शन में थे, तो नेगेटिव के साथ में ये हमारे ब्लूटूथ वाला जो है येलो वायर वो कनेक्टेड है, और ये ऑरेंज जो हमारे हैं इस स्विच के साथ कनेक्ट किया है, जिससे जब इसे ऑफ करेंगे तो दोनों सर्किट ऑफ हो जाएंगे। तो अब ये जो आप दोनों पॉइंट देख रहे हैं ये है हमारे स्पीकर के लिए, दोनों स्पीकर लेफ्ट राइट के लिए। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दिए हुए रखे होते हैं, तो आप आसानी से इनके साथ में स्पीकर सोल्डर कर पाएंगे। और अब इसे जो हम सप्लाई देंगे वो देंगे हम 12 वोल्ट, लेकिन ये 12 वोल्ट नहीं ले सकता क्योंकि ये 5 वोल्ट का है। तो उसके लिए हम इसमें एक ये 7805 जो ट्रांजिस्टर आता है जो 12 वोल्ट को हमारे 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, वो लगा देंगे, जिससे हमारे इस तरफ हम 12 वोल्ट पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव लगाएंगे तो इस तरफ से हमें 5 वोल्ट पॉजिटिव मिलेगा। ये नेगेटिव दोनों का सेम ही रखेंगे हम, इस तरफ से हमारे 12 वोल्ट जाएगा और उस तरफ से 5 वोल्ट बाहर आएगा। बाकी की जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो इस हीट सिंक से हीट होकर निकल जाएगा। तो ये 7805 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बना सकता है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। और इसमें नेगेटिव या मिड में और पॉजिटिव इस तरफ वाले पॉइंट में कनेक्ट करते हुए हम इसकी जो ये सब सप्लाई के वायर हैं वो हम इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे। ये ऑरेंज वाला हमारे पॉजिटिव होगा और येलो वाला नेगेटिव, और उसी तरीके से इस तरफ जो है पॉइंट उस तरफ हम 12 वोल्ट पॉजिटिव देंगे और मिड वाला दोनों में नेगेटिव सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से हम इसको सप्लाई दे देंगे, और अब हम इसके लिए एक बॉक्स तैयार करेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं हमने एक बॉक्स तैयार किया है, इसमें हम इस तरफ एक वॉल्यूम लगा देंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर हम एक ऑक्स के लिए होल कर देंगे और इसमें ऑक्स केबल सेट कर देंगे। तो ये हमारे बिल्कुल जो स्टूडियो वगैरह में मॉनिटर लगे हुए होते हैं बिल्कुल उस तरीके से दिखाई देगा, और जो ये हमारे PAM8403 है इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, वॉइस बहुत क्लियर होती है, तो हम उसकी जगह भी यूज़ कर सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इसे ब्लूटूथ स्पीकर बनाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें जो ये 7805 है हमारे ट्रांजिस्टर, उसके लिए यहाँ एक होल कर देंगे और इसे हीट सिंक इसके साथ में अंदर की तरफ कस देंगे, और पीछे एक ये होल कर रखा है हमने, यहाँ एक 12 वोल्ट का जो इनपुट DC सॉकेट होता है वो लगा देंगे, जिससे हमारे हम इसमें एडेप्टर कनेक्ट कर पाएंगे 12 वोल्ट का। तो हम इसी तरह का एक और बॉक्स लेंगे जो कि हमारे दूसरी तरफ जो स्टीरियो है सर्किट, तो दूसरा स्पीकर की तरह काम करेगा। उसमें हम कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ स्पीकर के वायर बाहर निकाल देंगे, जिससे हमारे वो इस वाले स्पीकर के साथ में कनेक्ट हो पाएगा। बाकी सारा सर्किट वगैरह हम इसी बॉक्स में लगाएंगे। तो अभी हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। इसमें हमने वो सारा सर्किट का मटेरियल जो था वो हमने इस बॉक्स में सेट कर दिया है, और दूसरे स्पीकर के लिए हमने पीछे की तरफ एक स्पीकर का सॉकेट सेट कर दिया है, और इनपुट सप्लाई के लिए हमने ये 12 वोल्ट DC का सॉकेट लगा दिया है। और जो हमारे 7805 ट्रांजिस्टर था उसकी हीट सिंक हमने स्क्रू से इसके साथ में कस दी है, और ये दूसरी तरफ से हमारे कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। हमने 4 इंच का स्पीकर लिया है और उस पर एक 4 इंची की कूलिंग फैन की जो जाली होती है वो लगा दी है। तो ये हमारे हो गया वॉल्यूम कंट्रोल, जो कि स्विच भी है, और ये ऑक्स का सॉकेट हमारे यहाँ पर लग गया है। जब हम इसमें ब्लूटूथ चलाएंगे तो हमारे ऑक्स बार होगी, और जैसे ही हम इसमें पिन लगाएंगे तो हमारे ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका दूसरा बॉक्स हमने ये कुछ इस तरीके का तैयार किया है, तो हम इसमें सिंपल सा इसी तरह का स्पीकर लगाकर इसके वायर यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, और फिर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। आप देख पा रहे हैं हमने इस वाले स्पीकर के वायर जो हमारे सर्किट वाला बॉक्स है उसमें सेट कर दिए हैं, और ये एक एडेप्टर की पिन हमने 12 वोल्ट की इसके साथ में कनेक्ट कर दी है। तो अभी हम एडेप्टर को सप्लाई देंगे। ये हमारे ऑन हो चुके हैं। अब हम एक दूसरा मोबाइल लेंगे, उसे इस स्पीकर के साथ में कनेक्ट कर देंगे।
connected. ये हमारे पहले से कनेक्ट किया हुआ था, तो ये इसके साथ में कनेक्टेड हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें ऑक्स केबल लगाकर चेक करेंगे कि ये हमारे उस तरीके से काम कर रहा है कि नहीं जिस तरीके से हमने सोचा था। तो ये हमारे बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है। अभी हमारे ये ऑक्स कनेक्टेड है इसके साथ में, जैसे ही हम इसे निकालेंगे तो फिर से ये फिर से हमारे ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है जैसे ही हम इसे ऑक्स को आउट करते हैं। ये चीज़ आपको पसंद आए और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। धन्यवाद।